साइड से देख सकते हो दोस्तों। ये देखो हाय दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब मस्त होंगे। स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। दोस्तों मेरा आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला दोस्तों, जो मेरी बाइक आपको दिख रही है पीछे, इसको हम धोने के लिए ले जाएंगे दोस्तों आज बहुत बड़े नाले में। दोस्तों हमारे यहाँ चारों तरफ पहाड़ी है दोस्तों, मैंने कई लोगों में आपने देखा होगा, तो आज मैं ले जाना हुआ दोस्तों इस साइड जो पीछे बहुत बड़ा नाला है दोस्तों, वहाँ पे बाइक को धोऊंगा मैं। हमारे यहाँ दोस्तों कोई गांव का इलाका है दोस्तों, जंगल का इलाका है दोस्तों, तो उस वजह से बहुत सारा पानी नाले नदी नालों में बहता रहता है दोस्तों, तो और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा होती है तो बारिश में दोस्तों, उस वजह से बाइक पूरी ही गंदी हो रखी है, देख सकते हो पीछे से भी और आगे से भी। तो मैंने कपड़ा ले लिया है दोस्तों, और इसका मेरा जो मिट्टी है मेन इंजन वगैरह पूरा ख़राब हो गया दोस्तों, तो मिट्टी है वो साफ़ करनी है मेरे को। तो चलते हैं दोस्तों, मैं दिखाता हूँ कितने खतरनाक जगह पे मैं बाइक को वॉश करने के लिए जाता हूँ दोस्तों, तो पूरा इस वीडियो में दिखाऊंगा। आखिर तक बनिएगा आप लोग वीडियो में, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे और पूरा देखिएगा वीडियो। आप देख सकते हो दोस्तों पूरी गंदी हो रखी है, ये इंजन वगैरह सारे ख़राब हो गए दोस्तों, मिट्टी ज़्यादा होती है उस वजह से। अब इसको ले जाते हैं हम धोने के लिए, और इस रास्ते से हमको जाना पड़ेगा, बिल्कुल पगडंडी वाला रास्ता दोस्तों, उससे मैं बाइक लेके आता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करके अब ले जाऊँगा आगे नाले की तरफ, वहाँ दिखाता हूँ आपको। देख सकते हो दोस्तों ऐसे खाबड़ खूबड़ रास्ते में ले जाना पड़ता है गाड़ी को। बाइक उतर जाए ऐसे, पगडंडी बंद रखिए दोस्तों, इससे मैं डायरेक्ट धीरे धीरे नीचे उतार दूंगा। आगे नाला है दोस्तों, वहाँ ले जाना है मेरे को बाइक को। नाला है दोस्तों, इधर से पानी दिख नहीं रहा होगा आपको, इस रास्ते से ले जाना पड़ेगा। जहाँ से दिखेगा आपको देख सकते हो, वो इधर उतारना पड़ेगा इस झाड़ियों में, उधर आगे से उतारूंगा दोस्तों, वहाँ से वहाँ रास्ता बना रखा है। उतार दिया मैंने बाइक को नीचे दोस्तों, देख सकते हो इस नाले में, यहाँ पे खड़ी करके मैं वॉश करूँगा बाइक को। ये नाला पूरा बहता रहता है दोस्तों, बहुत साफ पानी है इसमें, चलता रहता है, बारिश आती है उस टाइम ये चलता ही रहता है दोस्तों। तो देख सकते हो अभी यहाँ पे खड़ी करूँगा मैं पहले, फिर दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हो दोस्तों मैंने पानी में खड़ा कर दिया बाइक को, अब इसको भिगाऊंगा मैं, फिर जो मैं कपड़ा लेके आया हूँ उससे साफ करूंगा दोस्तों, जो मिट्टी है वो। शैम्पू से भी अपन बाइक, आप अगर आप धो रहे हो तो शैम्पू से धो सकते हो, बहुत अच्छी से क्लीन वॉश हो जाती है दोस्तों, लेकिन मेरे को मिट्टी साफ़ करनी है, उस वजह से मैं शैम्पू वगैरह तो नहीं लाया हूँ दोस्तों, खाली इसको मेरे को मिट्टी साफ़ करनी है दोस्तों। तो मैंने पानी में खड़ा कर दिया है, एक बार मैं ऑटो स्टार्ट करके फिर पीछे वाला टायर साफ़ कर लेता हूँ, वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। देख सकते हो दोस्तों मैंने एक बाइक का रेस बढ़ा के छोड़ दिया है, अब ऑटोमेटिक धुल रहा है पीछा टायर, बहुत पानी फेंक रही, देखो पूरे गेयर डाल के मैंने छोड़ दिया है, अब डायरेक्ट धुल रही है, पिछला टायर धुल जाएगा उसके बाद मैं अगला धो दूंगा। पानी कितना लंबा जा रहा है दोस्तों देखो, साइड से देख सकते हो दोस्तों, ये देखो दोस्तों मैंने भिगा दिया बाइक को पूरा, और ये कपड़ा लेके आया हूँ, इससे बड़ी बड़ी मिट्टी है दोस्तों वो छूट जाएगी मेरी, देख सकते हो इस तरीके से, जहाँ ज़्यादा मिट्टी है दोस्तों वहाँ पे मारूंगा, देख सकते हो जमा के मार के, तो मिट्टी साफ हो जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास शैम्पू है दोस्तों, पहले मिट्टी साफ कर लेनी, उसके बाद शैम्पू से क्लीन करना है गाड़ी को अपन को, शैम्पू कपड़े पर डाल के जाग ला के आराम से पूरे पे साफ कर देना दोस्तों, ताकि पूरा ही क्लीन हो जाएगा अपना। तो मैं शैम्पू नहीं मारूंगा, खाली मेरे को मिट्टी हटाए दोस्तों, तो मैं मिट्टी हटा दूंगा पूरा, मिट्टी हटानी है मेरे को खाली। दोस्तों देख सकते हो बहुत धूल लगी हुई है इंजन पे भी बाइक के, तो मैंने अच्छी तरह से भिगा के पूरा साफ कर लिया है। अगर आपके इंजन पे दोस्तों ज़्यादा बाइक का अगर मिट्टी वगैरह रहेगी दोस्तों, तो इंजन के अंदर जा सकती है, वो नुकसान करेगी, उस वजह से आपकी बाइक भी अगर गंदी हो रही है दोस्तों, तो आपको 3 से 4 दिनों में एक बार धो देना चाहिए, ताकि मिट्टी साफ होती रहे दोस्तों। अगर आप ऐसे मेरी तरह जंगल में रह रहे हो और बाइक गंदी हो रही है, तो अगर नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हमारी बाइक पूरी क्लीन हो चुकी है, देख सकते हो इधर से, देखो दोस्तों पूरी साफ हो गई है। एक बार मैं ऑटो स्टार्ट करके ऑटो पानी दिखा देता हूँ दोस्तों आपको, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। तो एक बार मैं पीछे का जो हिस्सा था दोस्तों मरघड़ा था, उसमें मैंने मिट्टी निकाल दी है, अब मैं ऑटो स्टार्ट करूँगा एक बार बाइक को चला के,
पूरे गेयर डाल दूंगा, 5 गेयर है इसमें, तो पूरे गेयर डाल के फिर पानी उड़ाएगी दोस्तों, बहुत मजा आएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं एक बार वो भी करके, उसके बाद दोस्तों अपना पूरा क्लीन हो जाएगा। देख सकते हो दोस्तों बहुत पानी फेंक रही, मैंने ऑटो स्टार्ट कर दिया, रेस बढ़ा के छोड़ दिया है, बाइक को स्टार्ट कर दिया है, देख सकते हो पूरा पानी चल रहा है, बहुत खतरनाक वाला। तो पूरा क्लीन हो गया दोस्तों, पीछे से कुछ भी नहीं बचा है, पूरा ही खुदप का सीन है दोस्तों। बहुत मजा आएगा आपको, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो मैं एक बार बंद करके फिर बताता हूँ आपको। तो दोस्तों हमारी बाइक पूरी वॉच हो चुकी है क्लियर तरीके से, पूरा बहुत ही मजा आया दोस्तों। मैंने क्या एक्चुअली में बाइक का रेस वायर जो है, ये ऑटो कैसे चल रही है दोस्तों वो भी मैं बता देता हूँ आपको। बाइक का रेस वायर दोस्तों खत्म हो हुआ है, मैं जहाँ पे रेस करके पकड़ के छोड़ देता हूँ दोस्तों, तो वहीं पे रेस पड़ा रहता है, ऑटोमेटिक रेस पड़ा रहता है दोस्तों, वो कम नहीं होता है, तो चलती रहती है बाइक, मतलब रेस चलता रहता है दोस्तों। तो उस वजह से आपको ऐसा लग रहा है ऑटो स्टार्ट हो गई है, ऑटो स्टार्ट कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैं खाली रेस बढ़ा के छोड़ देता हूँ, गियर डाल देता हूँ पूरे, तो बाइक ऑटोमेटिक टायर चलता रहता है, क्योंकि रेस चलता रहेगा तो बाइक का टायर चलेगा ही दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और जिस भी भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।